आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैगी बनाने का सबसे आसान और नया तरीका, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अभी हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल और अभी ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा इसकी प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसमें डाल देंगे दो कटी हुई हरी मिर्च। अभी प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे प्याज की कलर चेंज होने तक। अभी देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक टमाटर को बारीक चॉप करके डाल दिया है। और टमाटर डालने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे नमक। और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालने से टमाटर पानी छोड़ता है और टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो टमाटर को अभी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी देख सकते हैं टमाटर जो है नरम हो चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर। डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मसाले जले ना तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बिना ढक के अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे मैगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है दो पैकेट मैगी। तो मैगी को इस तरह से आधा करके डाल देंगे और मैगी को डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे लगभग दो कप डाल दिया है। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो मैगी है वो चिपचिपा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लगभग दो कप डाल दिया है। और डालने के बाद अभी क्या करेंगे, जो मैगी मसाला है ना इनको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर दो पैकेट मैगी लिया है, तो दो पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह से फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन से ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारा जो मैगी है वो लगभग हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को अभी लो कर देंगे। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक अंडा। तो जिन लोगों को अंडा नहीं पसंद है तो अंडा मत डालना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अंडा डाला है। और डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अंडा डालने से मैगी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक अंडा डाला है, आप चाहे तो दो या तीन अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल किया है। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को लो रखा है, नहीं तो हमारा जो मैगी है वो जल सकता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार मैगी बनकर तैयार है। आप इसमें ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास हमेशा हरा धनिया ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया नहीं डाला है, लेकिन आप लोग हरा धनिया ज़रूर डालना। तो हमारा मैगी बनकर तैयार है, इसको एक प्लेट भी निकाल लेंगे। तो आप लोग भी इस तरह से झटपट मज़ेदार मैगी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।